सो फ्रेंड्स, स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत एक और वैकेंसी इसमें आप पे रिलीज यहाँ पे कर दी गई, रिक्रूटमेंट ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे हेडिंग पढ़ें, ये जो वैकेंसी यहाँ पे जो रिलीज़ हुई लिखा है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उधमपुर। तो दोस्तों, उधमपुर जो डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ का जो सरकारी मेडिकल कॉलेज है, इसमें वेरियस अलग अलग पोस्ट पे वैकेंसीज यहाँ पे आ चुकी हैं। सभी तरीके के पद इसमें, चाहे स्टाफ नर्स की वैकेंसी हो, चाहे इसमें लैब टेक्नीशियन की पोस्ट हो, चाहे यहाँ पे देखिए टेक्नीशियंस के और भी अन्य पद हो, साइकोलॉजिस्ट, लैब असिस्टेंट, स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न पद इसमें यहाँ पे शामिल यहाँ पे कर लिए गए। मैं आपको यहाँ पे नीचे यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो देखिए करीब करीब 11 पद इसमें यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे शामिल किए जा रहे हैं। और कौन कौन से 11 पद यहाँ पर रहेंगे, इनमें नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे क्या रहने वाली है, क्वालिफिकेशन इसमें आप लोगों को क्या क्या चाहिए अप्लाई करने के लिए, सिलेक्शन किस आधार पे होगा, सारी जानकारी मैं आप लोगों को इसमें यहाँ पे प्रोवाइड यहाँ पे करा देता हूँ। तो चलिए बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इस वीडियो को लास्ट तक देखना, पूरी जानकारी आपको इसमें यहाँ पे मिल जाएगी। तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो है उधमपुर, यहाँ के सरकारी मेडिकल कॉलेज में यह वैकेंसी है। 4 मई 2023 को ये जानकारी ऑफिशियली आपको वेबसाइट पे बताई जा रही। और दोस्तों, जितनी भी पोस्ट इसमें आप जो शामिल की गई, इसके लिए आप लोगों को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहाँ पे फिल करना होगा। लास्ट में मैं आपको बताऊँगा कि ऑनलाइन आवेदन करने की वेबसाइट क्या रहेगी और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने की लास्ट डेट यहाँ पे क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखें, जो पहले नंबर की पोस्ट है ये रहेगी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की, इसमें एक पद है, ग्रेजुएशन मांगा जा रहा है साइकोलॉजी में। एमए कैंडिडेट्स भी अप्लाई करें और इसमें आपका ग्रेजुएशन से और वाइवा से आपका जो है सिलेक्शन लिया जाएगा। टेक्निकल लैब असिस्टेंट, ये पद भी है, इसमें 5 पद है और इसमें 12th क्लास आप लोग पास हो और इसमें डिप्लोमा जो कैंडिडेट्स हैं लेबोरेटरी असिस्टेंट कोर्स है, आप लोग इसमें अप्लाई करें। और स्टेट मेडिकल फैकल्टी का या फिर पैरामेडिकल काउंसिल का आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन भी चाहिए। सिलेक्शन का प्रोसीजर आपको बता दिया गया, इसमें डिग्री, डिप्लोमा और आपका इंटरव्यू के थ्रू जो है आपका इसमें सिलेक्शन होगा इस पोस्ट के लिए। इसके बाद देखिए अगली जो पोस्ट है ये रहेगी लैब टेक्नीशियन की, इसमें 5 पद हैं, आप लोग 12th क्लास पास है, साइंस सब्जेक्ट में डिप्लोमा है, MLT है, बिल्कुल आप लोग इसमें अप्लाई कर दें। और पैरामेडिकल काउंसिल में आपको रजिस्टर्ड भी होना चाहिए स्टेट के अंतर्गत। और यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन है, आपके डिग्री डिप्लोमा में से मार्क्स लिए जाएंगे जो भी आपके पास है और इसमें इंटरव्यू भी लिया जाने वाला है। इसके बाद देखिए अगली जो पोस्ट है ये रहेगी लैब अटेंडेंट, थिएटर अटेंडेंट या फिर लाइब्रेरी असिस्टेंट। तो कुल मिला के इसमें 14 पद हैं। मैट्रिक मीन्स आप लोग 10वीं कक्षा पास हैं या फिर आप लोग 12वीं कक्षा भी पास हैं तो बिल्कुल अप्लाई कर दें। कोई भी इसमें आपको यहाँ पे हायर क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, ना ग्रेजुएशन चाहिए, ना आपको डिग्री चाहिए, सिर्फ 12वीं कक्षा पास होना ज़रूरी है या फिर आप लोग 10वीं कक्षा भी पास है, अप्लाई कर दें। इसमें जो है आपका मैट्रिक्स में से 50 और 12वीं में से 30% मार्क्स दिया जाएगा और बाकी का इंटरव्यू के बेसिस पे इसमें आपका सिलेक्शन होगा। इसके बाद देखिए डिसेशन हॉल अटेंडेंट, तो इसमें 2 पद हैं, इसमें भी आपको जो है 10वीं या फिर 12वीं कक्षा पास होना ज़रूरी है आपकी क्वालिफिकेशन में से और इंटरव्यू के थ्रू आपका सिलेक्शन होगा। इसके बाद टेक्निकल थिएटर असिस्टेंट, तो इसमें 2 पद हैं, आप लोग 12th क्लास पास हो साइंस सब्जेक्ट में और डिग्री या फिर डिप्लोमा है OT टेक्नोलॉजी का और पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन है, बिल्कुल अप्लाई कर दें। और आपके डिग्री डिप्लोमा में से आपका वेटेज किया जाएगा और इसमें वाइवा भी आपका होगा, मीन्स इंटरव्यू भी होगा। इसके बाद देखिए ऑडियोमेट्रिक टेक्नीशियन, तो इसमें 1 पद है, BSc डिग्री और 2 साल का डिप्लोमा या फिर डिग्री कोर्स मांगा जा रहा है इसी फील्ड में और काउंसिल का रजिस्ट्रेशन भी मांगा गया है। डिग्री डिप्लोमा और वाइवा के थ्रू जो है आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। इसके बाद रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन, इसमें 4 पद है, BSc कोर्स मांगा जा रहा है, एक्सरे असिस्टेंट मीन्स एक्सरे का कोर्स है, एक्सरे टेक्नीशियन का, टेक्नोलॉजी का, बिल्कुल अप्लाई करें। रेडियोग्राफिक कोर्स भी है, आप लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। पैरामेडिकल काउंसिल में आपसे रजिस्ट्रेशन मांगा जा रहा है स्टेट का और डिग्री डिप्लोमा यहाँ से आपका वेटेज लिया जाएगा और इंटरव्यू भी लिया जाने वाला है। इसके बाद डॉक्यूमेंटलिस्ट, तो इसमें 1 पद है और ग्रेजुएशन कोर्स मांगा जा रहा है लाइब्रेरी साइंस में है और डिप्लोमा है कंप्यूटर एप्लीकेशन है, आप लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। और ग्रेजुएशन आपका लाइब्रेरी साइंस, कंप्यूटर डिप्लोमा, सभी का इसमें मार्क्स आपका लिया जाएगा और इंटरव्यू भी आपका होगा। इसके बाद देखिए कोडिंग क्लर्क, तो कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट है, आपको 12th क्लास पास होना ज़रूरी है, थोड़ी बहुत टाइपिंग के नॉलेज भी हो और डिग्री है या फिर डिप्लोमा है कंप्यूटर कोर्स है, आप लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। डिग्री, डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट कोर्स में से आपका वेटेज लिया जाएगा और वाइवा भी होगा। इसके बाद गार्डनर, तो गार्डनर की पोस्ट है, इसमें 2 पद अलग से शामिल किए गए, 12th क्लास पास हो, 5 साल का एक्सपीरियंस इसी फील्ड में चाहिए, 10th क्लास, 12th क्लास में से मार्क्स आपके लिए जाएंगे, इसके लिए आपका इंटरव्यू भी होगा। अब देखिए इसमें 11th तो पोस्ट मैंने आपको बता दी, लेकिन अभी मैंने आपको
नर्स की पोस्ट के बारे में जानकारी नहीं दी। तो नर्स की पोस्ट के लिए अलग से नोटिस वेबसाइट पर जारी किया गया और वो नोटिस की ओर मैं आपको ले चलता हूँ कि स्टाफ नर्स की वैकेंसी भी इस वाले भर्ती विज्ञापन में ऐड कर दी गई है। और ये वाले भर्ती विज्ञापन का आप लोग देखिए क्रमांक भी देख लें, लिखा है एडवर्टीजमेंट नंबर 8। तो मैं आपको नोटिफिकेशन की ओर ले चलता हूँ। तो आप सभी लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं ये नोटिस अलग से यहाँ पर जारी हुआ वेबसाइट पर। देखिए लिखा है एडेंडम टू द एडवर्टीजमेंट नंबर 8, मीन्स एडवर्टीजमेंट नंबर 8 जो मैंने आपको इससे पहले अभी बताया था इसमें कुछ ना कुछ जानकारी ऐड की जा रही है। और यहाँ पे देखा है लिखा हुआ है वैकेंसीज आर एडेड, तो कुछ वैकेंसी को इसमें भर्ती के विज्ञापन में ऐड अलग से किया जा रहा था। तो देखिए कौन सी पोस्ट है, लिखा है जूनियर स्टाफ नर्स। तो दोस्तों स्टाफ नर्स की वैकेंसी है, इसमें 30 पद यहाँ पे शामिल कर लिए गए। आप लोग 12th क्लास पास है साइंस सब्जेक्ट में, या फिर आपके पास डिप्लोमा है GNM का, या फिर आपके पास BSc नर्सिंग है, आप लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। और पैरामेडिकल काउंसिल या फिर जो है नर्सिंग काउंसिल में आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए, और इसमें जो है आपका डिग्री या फिर डिप्लोमा में से आपका यहाँ पर वेटेज लिया जाएगा, 12th क्लास में से भी आपका वेटेज लिया जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों जो है आपका इंटरव्यू भी इस पोस्ट के लिए लिया जाने वाला है। तो ये जो वैकेंसी यहाँ पे जो रिलीज़ हुई है दोस्तों, उधमपुर जो डिस्ट्रिक्ट है जम्मू एंड कश्मीर में, तो ये रिक्रूटमेंट वहाँ पे जारी हुआ। और जो भी वैकेंसी इसमें यहाँ पे जो शामिल की गई, इसमें जम्मू और कश्मीर पैरामेडिकल काउंसिल में आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए, और जो नर्सिंग की पोस्ट है उसमें जम्मू एंड कश्मीर नर्सिंग काउंसिल में आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए। और दोस्तों ये जो वैकेंसी यहाँ पर जो रिलीज़ हुई, इसके लिए आप लोगों को ऑनलाइन आवेदन करना है। और देखिए ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके थ्रू आप लोग जो है अपना ऑफिशियल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे। और यहाँ पे देखिए आपको नोटिफिकेशन भी दे दिया गया जो मैंने अभी आप लोगों को रीड करके बताया। ये भर्ती का विज्ञापन आपको यहाँ मिल जाएगा, क्लिक हियर टू व्यू, इस पर आप लोग क्लिक कर देंगे आपका नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए आपको यूज़र नेम और पासवर्ड दिया गया है। अगर आप लोग न्यू एप्लीकेंट है, मीन्स नया आवेदन भरना चाहते हैं, तो यदि आप लोगों ने अभी तक एक भी एग्ज़ाम नहीं दिया है तो आपको न्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। और जैसे ही आपको लॉगिन डिटेल्स मिल जाएगी, यूज़र आईडी और पासवर्ड, तो फिर आप लोग का फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो इसके थ्रू आप लोगों को अपना ऑनलाइन आवेदन करना है। अब बात करते हैं लास्ट डेट आपके आवेदन करने की क्या रहेगी। तो देखिए लिखा है लास्ट डेट फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इज़ 20th मई 2023। तो दोस्तों 20 मई 2023 ये अप्लाई करने की लास्ट डेट रहने वाली है। इस डेट तक आप लोगों को अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहाँ पे फिल कर देना होगा। तो वैकेंसी की जो भी इन्फॉर्मेशन थी इसमें मैंने आप पे कवर की, उम्मीद करता हूँ अपडेट आप सभी को मिल गया होगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, स्वास्थ्य विभाग की हर वैकेंसी की जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच।